मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि अपने राजनीतिक कार्यक्रम से थोड़ा फुर्सत के पल बिताने के लिए राष्ट्रपति मुइजू अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंचे। संगमरमर की इमारत ताजमहल के दीदार की हसरत दुनिया भर के पर्यटकों को रहती है। ताजमहल के दीदार के लिए पर्यटक आम हो या VVIP सब खींचे चले आते हैं और ताज का दीदार करते हैं। बता दें कि उन्होंने ताजमहल का इतिहास और शाहजहां की लव स्टोरी जानी और ताजमहल की नक्काशी को बारीकी से देखा। मुइजू ने गाइड राजीव सिंह ठाकुर से कहा, मैं जितना सोचता था ये तो उससे भी खूबसूरत है। आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उतरे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के आगरा दौरे को लेकर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मालदीव के राष्ट्रपति का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल पहुंचा। मालदीव के राष्ट्रपति के ताजमहल विजिट के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल बंद रखा गया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ताजमहल विजिट के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति के साथ रहे और ताजमहल से जुड़ी जानकारी साझा की।